हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल नमक नमकीन पर। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल चिकन ऑमलेट, जो खाने बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बनाने बहुत आसान होता है। ये कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से मसाले पड़ते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन चढ़ाया है, इसमें डालेंगे आधा गिलास पानी, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टमाटर है, 4 हरी मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी है, 1/2 स्टार इंच काली बड़ी इलायची, 4-5 लौंगे हैं, लगभग 400 ग्राम डालेंगे चिकन। अब हम इसको चलाएंगे ताकि हमारे मसाले सही से आपस में मिक्स हो जाएं। अब हम ढक देंगे, ढक के 10 मिनट तक चिकन को गलाएंगे। चिकन अच्छे से गल चुका है, फिल्म को बंद कर देंगे। चिकन पीस को एक बाउल में कर लेंगे। चिकन के बचे हुए पानी को सब्जी गलाने के काम में लाएंगे। चिकन पीस के बोन्स सब अलग कर लेंगे। हमने सारे खड़े मसाले निकाल लिए हैं, अब हम इसको दरदरा पीसेंगे। चिकन दरदरा पिस चुका है, अब मैंने एक पैन चढ़ाया है, इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है 100 ml। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। प्याज डालेंगे, प्याज मैंने 2 ली हैं, रफली चॉप कर ली हैं। प्याज को गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को पलटे से चलाएंगे ताकि हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन हो जाए। फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पे प्याज बहुत अच्छे से गोल्डन होती है। प्याज गोल्डन हो चुकी है, अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे थोड़ा सा। नमक थोड़ा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि चिकन को बॉईल करते वक्त उसमें हमने डाला था। मसाले को अच्छे से भूनने के लिए हम चिकन का उबला हुआ पानी ही इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारे मसाले में बहुत अच्छे से सुगंध आएगी। 2 चम्मच टोमेटो प्यूरी डालेंगे। अब हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में लिए हैं कैप्सिकम, इसके सारे बीज मैंने निकाल दिए हैं। बीन्स डालेंगे, बीन्स मैंने लगभग लिए हैं 100 ग्राम। वेजिटेबल्स को मसालों में अच्छे से भूनेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। 6 से 7 हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च मैंने रफली चॉप कर ली हैं। चिकन का बचा हुआ पानी डालेंगे। सब्जी को गलाएंगे। अब मैंने 6 अंडे लिए हैं, 3 अंडों को फोड़ देंगे इसमें। अब इन्हें फेंट लेंगे। अंडे फेंट चुके हैं, बाकी बचे हुए अंडों को हम इसमें फोड़ के डाल देंगे, मगर फेटेंगे नहीं। सब्जी सही से गल चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सब्जी हमारी बनी है। इसमें अब डालेंगे हम दरदरा चिकन। चिकन को सब्जी में डाल के अच्छे से भूनेंगे। चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हम डालेंगे इसमें अंडे। पलटे से चलाएंगे ताकि अंडा चिकन सब्जी में सही से मिक्स हो जाए। अब हम इतना भुनेंगे ताकि अंडे की पूरी स्मेल खत्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन ऑमलेट कितने अच्छे से बन चुका है। स्मेल बिल्कुल खत्म हो चुकी है, सुगंध बहुत अच्छी आ रही है। अब हम चिकन ऑमलेट को सर्व करेंगे।
आप इसे रोटी पराठा पूड़ी साथ भी खा सकते हैं। यह हर किसी के साथ टेस्टी लगता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए।